मुंबई के आजाद मैदान में मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन ने सरकार द्वारा बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में एक विशाल मोर्चा निकाला, जिसमें मुंबई थाने नवी मुंबई के सैकड़ों ज्वेलर्स ने धरना दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाने से आम ज्वेलर्स की काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से अपने प्रतिष्ठान दुकान एवं कारखाने बंद करके अपने अपना विरोध जता रहे थे कि होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए धरने में शामिल हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता फयाज खान की खास रिपोर्ट। पीयूष गोयल जी, मुंबई में हमने उनसे वार्तालाप की, मैंने दिल्ली में भी उनसे वार्ता की और उन्होंने परसों संडे भी आए थे, तो मोहित जी अपने भाषण में बताएंगे कि उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन हमको किया है। मैं बोलूं ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके दिल की पीड़ा है वो उस दिल तक पहुंचाकर उस अधिकारियों के मार्फत वो ऑर्डर निकलवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी 100% करेगी। अध्यक्ष के नाते इसमें इतना कहता हूं और आप सबकी रजा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय व्यापारी। पूर्वक मार्च कर रहे हैं, यदि गवर्नमेंट इसे नहीं मानेगी तो हम इसको आगे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। नहीं मानते आपकी बात तो आपकी स्ट्राइकिंग ही चलती रहेगी। हमें 17 तारीख तक जब दिल्ली में अनाउंस हुआ है रामलीला मैदान में, वहाँ हमें अपनी हम ताकत दिखाएंगे। कल हम पुणे में ताकत दिखाएंगे, 17 तारीख को दिल्ली में ताकत दिखाएंगे और फिर कुछ हुआ तो अभी हम अहिंसा से शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं। और सरकार हमारे कारीगर, हम तो शांति से, हमारे कारीगर जो भूखे प्यासे आज 7 दिन से उनके रोजगार बंद है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इन इंडस्ट्री से 6 करोड़ लोग किसी किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उन 6 करोड़ लोगों के भी उनके 125 करोड़ देशवासियों में है और आप जब योजना लाते हैं मेक इन इंडिया स्टार्टअप, उनमें करोड़ों रुपए का आप खर्च कर रहे हैं और जो हमारे कारीगर जो हाथ के हुनर से आप अपनी ज्वेलरी बना के इंडिया को विश्व शक्ति में एक नई पहचान दिलाते हैं, तो उन कारीगरों के व्यवसायों के पेट पे आप क्यों लात मार रहे हैं? उन छोटे छोटे कारीगर जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता पर वो अपने हाथ की हुनर से अपनी कला को दिखाते हैं, उनकी कला को क्यों आप रौंद रहे हो? और इन इसके लिए हम एक्साइज ड्यूटी लाएंगे। एक्साइज ड्यूटी लाने से प्रॉब्लम क्या होता है? इन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, स्मगलिंग बढ़ गया, आखिर सोने का आवक बढ़ गया। इनको अगर बढ़ाना है ये और कम, पहले इनका अशोक चक्र की योजना बंद करो। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने प्राइवेट लाइसेंस दिए वो बंद करो। तीसरी बात, ये जो अपने ये जो कर रहे हैं गवर्नमेंट केंद्र का विषय है, केंद्र सौ निर्माण, ये जो इसमें तुम प्रोत्साहन कर रहे हो ना, सो ये बात करो। और एक अगर करना है तो एंड यूजर ग्राहक को बुलियन बेचने का रिस्ट्रिक्शन लगा। आपको सर क्या लगता है कि ये जो आपकी हड़ताल है ये कामयाब होगी और ये सही रूप में जो है भाजपा गवर्नमेंट इसकी आपकी मांग जो आपने रखी है वो कबूल करेगी? क्योंकि जो बजट में आया हुआ है, क्या बजट को तब्दील किया जा सकता है? 2012 में भी बजट में आया था और जब हमारा 21 दिन का बंद रहा उसी वक्त भी उन्होंने ये बजट का पार्लियामेंट में रखकर ये उन्होंने वापस किया, जैसा भी प्रोविडेंट फंड का किया इन्होंने, बजट में आया था रोल बैक किया। और इनको भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हमने जो किया है हम सही ढंग से कर रहे हैं, हमारी मांग जाएंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा, जिसमें गरीब लोग बहुत बड़े पैमाने जी। ये किस स्तर पे आप लोग ये जो विरोध कर रहे हैं, किस स्तर पे कर रहे हैं? क्या सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है या देश के अन्य हिस्सों में भी ये विरोध होगा? ये पूरे भारतवर्ष में जम्मू से लगा के कन्याकुमारी तक, मुंबई से लगा के कलकत्ता बंगाल तक सभी ज्वेलर्स यहाँ पर आज बेमुदत बंद के लिए है। उन्होंने अपना व्यवहार बंद किया, सभी कारागिरों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, आज वो पूरे भूखे 6 दिन से बैठे हुए हैं जी। बाकी अन्य कंपनी जिस तरीके से तनिष्क है और मलबार गोल्ड है, कई सारी कंपनीज है, वो अपना कारोबार चला रही, लेकिन हम अपनी दुकानों पे जब तक नहीं बैठेंगे जब तक एक्साइज नहीं हटेगी। आने वाले 17 तारीख को जो दिल्ली में आपका ये आंदोलन है उसका रूपरेखा क्या होगा? हमने दिल्ली के ज्वेलर्स के अलावा भी ऑल ट्रेडर्स की मीटिंग की थी कल रात 8 बजे लिबरेटन होटल में। उन्होंने सबने 17 तारीख को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की बात हमारे को समर्थन में दी है। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी
जो नॉन ज्वेलर्स लोग हैं वो भी हमारे साथ में आए। तो 17 तारीख को हमारा भारत बंद का ऐलान अभी तो नहीं है, एक दो दिन में हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे ज्वेलर्स और पूरी दिल्ली ऑल ट्रेड 17 तारीख को सब बंद है और रामलला भारत आंदोलन की चैलेंज है वहीं से होगा। आपका ये आंदोलन दो भागों में बटा हुआ है, एक तो आप लोग का, एक मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, इस बारे में आप लोग ने क्या प्रोग्राम बनाया है? देखिए, मल्टी नेशनल कंपनियां जो रिलायंस की बात कर रहे हो, तनिष्क की बात कर रहे हो, इन लोगों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी ये बताते हैं कि हमने आईपीओ खोला हुआ है, उसकी वजह से हम लोग बंद नहीं कर सकते, इनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन आंदोलन दो भागों में नहीं बटा हुआ, सरकार हमको रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी में बिल्कुल भी नहीं उलझा सकती है। सारा सरकार, सारा व्यापारी, सारा ज्वेलर, सब हम एक है और जब तक ये एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी, जब तक हम बिल्कुल भी दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर सरकार को काला धन साफ करना है तो सरकार कैश करेंसी बिल्कुल बंद कर दे, अभी से बंद कर दे, लोगों के घर में वो रद्दी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक सेक्टर को बर्बाद करने के लिए सरकार काला धन निकालना चाहती है, ये कहां का न्याय है? पूरे सेक्टर को बंद कर दे, पूरे हिंदुस्तान की करेंसी बंद कर दे। अगर सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार को चाहते हैं कि ब्लैक मनी, हम भी ब्लैक मनी के खिलाफ है, हम चाहते हैं हम टैक्स दें। कैश करेंसी किस लिए रखी हुई है? अगर ब्लैक मनी खत्म करनी है तो क्या ज्वेलरों पे एक्साइज ठीक है? आप कैश करेंसी को कल से बंद कर दीजिए, हम वित्त मंत्री जी को ये डिमांड करते हैं, ताकि ना काला धन होगा, ना कैश लेन देन होगा, ना 2 लाख के ऊपर आपको टीसीएस देना पड़ेगा, ना ही हमें कोई और किसी भी प्रकार की जंजीरों में जकड़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे व्यापारियों की एकता है, बड़ी संख्या में जो उपस्थित हुए हैं, पीछे रहिए, पीछे रहिए। सरकार से एक ही मांग है, रिपोर्टर यहाँ खड़ा हुआ है, एक्साइज को रोल बैक कर ले। एक्साइज के विरोध में यहाँ सभी इकट्ठा हुए। एक्साइज का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे यार, इंटरव्यू होने दो ना, 2 मिनट पानी पिलाइए इसके बाद। हमारा विरोध टैक्स से बिल्कुल नहीं। टैक्स तो सरकार को हम दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे व्यवसाय का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें सिर्फ एक्साइज नहीं चाहिए, क्योंकि एक्साइज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके दायरे में हमारी ट्रेड बिल्कुल नहीं आती, इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं बैठती, किसी हालत में नहीं बैठ सकती। और हमारे जो कारीगर से लेकर के जो छोटे व्यापारी से लेकर के, ये एक्साइज जो एक्ट लगाया उसके दायरे में आएंगे, उनको बड़ी तकलीफ होगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए हमारा विरोध है, टैक्स से हमारा कोई विरोध नहीं। भारत की कला संस्कृति ये सब दर्शाती है, 2000 साल पुराना ये हमारा व्यवसाय है, इसमें हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत की और हम देश ही नहीं विदेश में भी मशहूर है अपने कला के लिए, तो उस कला को हमको बचाना है। एक्साइज हमें नहीं चाहिए, हमें टैक्स से कोई मतलब, ये है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, हमें टैक्स से कोई एतराज नहीं है।